मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ब्रह्म सेठी। हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अभी तक मैंने आपको पिछली क्लास में आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, एक लेंस फॉर्मूला बताया था, मैग्निफिकेशन बताई थी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस बताया था। तो इन टॉपिक्स का यूज करते हुए हम अब कुछ न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख कर रखी है कि एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नोट करी है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर की है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। एक 5 सेंटीमीटर की लेंथ का या ये कह सकते हो कि 5 सेंटीमीटर की हाइट का एक ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पड़ा है और जिसकी फोकल लेंथ यानी कि उस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ जो है हमारे को दी हुई है 10 सेंटीमीटर की है। हमने एक तो रे डायग्राम कंप्लीट करना है इस पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट का, तो दूसरा न्यूमेरिकली हमने क्या सोल्व करना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन बतानी है, साइज ऑफ इमेज बताना है और नेचर ऑफ इमेज बतानी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस का मीनिंग क्या होता है कि कन्वर्जिंग लेंस हम कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहलाता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के अंदर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो फोकस पॉइंट पे जाके मीट करती है। तो इसी तरह से जितनी मर्जी रे ऑफ लाइट हम लेकर आए वो सारी की सारी फोकस पॉइंट पे आके एक्चुअल में मीट करती है। तो यानी कि जब एक्चुअल में लाइट रेज मीट करेगी किसी पॉइंट पे तो हम क्या बोलेंगे कि लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, यानी कि कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसी प्रकार अगर आपको डाइवर्जिंग लेंस लिखा होता तो आप कौन सा लेते हैं, कनकेव लेंस लेते हैं, क्योंकि कनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जितनी भी लाइट रे जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाती है, दूर फैल जाती है। तो आपको बता दिया गया कि कन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग लेंस है। तो हमें बताया एक तो ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है हमें, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है नीचे रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट को जब भी हम रखते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखते हैं, ये साइन कन्वेंशन में आपने पढ़ा था। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखेंगे तो साइड को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी हमारी, प्लस 5 होगी। इसी प्रकार 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, कि ऑब्जेक्ट को रखा है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, कि जब ऑब्जेक्ट लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कन्वेक्स लेंस की या कॉन्केव लेंस की लेफ्ट साइड पर रखा जाता है, और लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, यानी कि 25 सेंटीमीटर क्या लेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, -25 सेंटीमीटर, यानी कि यू की वैल्यू हमारे पास -25 सेंटीमीटर होगी। ओके, इसी प्रकार मिली हुई है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है, अब देखो वैसे तो कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों के केस के अंदर ही हमारे पास दो दो फोकस पॉइंट होते हैं, लेफ्ट साइड पर भी होता है फोकस पॉइंट और राइट साइड पर भी होता है। लेकिन अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो लाइट रेज हम लेते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो लेफ्ट साइड से लेते हैं, अगर लेफ्ट साइड से लाइट रेज आएगी तो वो राइट साइड वाले फोकस पॉइंट पे जाके मीट करेगी। यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कन्वेक्स लेंस के केस में राइट साइड वाला फोकस लेंस फोकस पॉइंट जो होगा उसको कंसिडर करके चलना है। तो राइट साइड वाले फोकस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ आएगी वो राइट साइड के अकॉर्डिंग कंसिडर होगी, और राइट साइड वाली फोकल लेंथ को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि राइट साइड वाली डिस्टेंसेस ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसी तरह से अगर आपको कनकेव लेंस दिया होता तो कनकेव लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट ले जाती है वो लेफ्ट वाले फोकस पॉइंट में से निकल कर जाती है, तो कनकेव लेंस के केस में आपने लेफ्ट वाला फोकस पॉइंट कंसिडर करके चलना है और कन्वेक्स लेंस के केस में राइट वाला फोकस पॉइंट कंसिडर करके चलना है। अब हमारे पास कन्वेक्स लेंस था इस न्यूमेरिकल में, तो इसलिए हमने कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया। ओके, अब हमने कैलकुलेट किया क्या करना है, एक तो पोजीशन ऑफ इमेज मतलब यू फाइंड करना, सॉरी वी फाइंड करना है हमने, इमेज डिस्टेंस कितनी है, पोजीशन ऑफ इमेज बोलो या इमेज डिस्टेंस बोलो यही बात है। इसी तरह से हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है h', और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। तो अब लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1/b - 1/u = 1/f। तो ये फॉर्मूले के अंदर अगर हम वैल्यूज फिल करें तो v हमने कैलकुलेट करना है, तो 1/b एज इट इज लिख दिया -1/u, u कितना हमारा -25, -1/-25 = 1/f,
एफ कितना है हमारे पास, प्लस का 10, तो अकेला 10 लिख दिया हमने, तो 1 अपॉन बी माइनस माइनस का 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन बी माइनस, अब ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर सेंटर पर क्या होगा हमारे पास, प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 आएगा हमारे पास। अब ये 1 अपॉन 25 को इधर लेकर आएंगे राइट साइड पे, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 25, 10 और 25 कैल्सियम लिया हमने, 50 एलसीएम आ गया, तो 50 को 10 से डिवाइड करा 5, 5 इंटू 1 5, माइनस 50 को 25 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 1 2, तो हमारे पास आ गया 5 माइनस 2 बाई 50 दैट इज 3 बाई 50, तो 1 अपॉन बी हमारे पास आ गया 3.50। तो जब 1 अपॉन बी हमारे पास 3.50 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो लेफ्ट वाली साइड पे रेसिप्रोकल करोगे तो राइट वाली साइड पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, बी इक्वल टू 50/3, तो बी की वैल्यू हमारे पास 50/3 सेंटीमीटर आ गई। ओके, तो बी इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास पोजिशन ऑफ इमेज निकल गई, अब हमने चेक करना है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज से पहले हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। अब मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, अब मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे, या तो एच डैश बाय एच, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करें, तो यहां पर हमारे पास हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करनी है, हमें दी नहीं हुई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है, इसलिए हम ये फॉर्मूला अभी नहीं लगा सकते। तो एक सेकंड फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का कि m इक्वल टू v अपॉन u, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब हम इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दी हुई थी, तो इसलिए ये फॉर्मूला हमें लगाना है। अब v की जगह पे हमने क्या कैलकुलेट किया, 50/3, तो 50/3 एंड u हमें गिवन है माइनस 25 सेंटीमीटर, तो 25 के नीचे 1 लगा के रखे हम, तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गया, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू 50/3 इनटू 1 अपॉन माइनस 25, तो 25 कैंसिल हुआ, 50 और 25 कैंसिल हो गई, इनसे से 25 के लेवल पे 25 बचा 25, 25 बचा 50, तो हमारे पास आया 2/3, m इक्वल्स टू 2/3 आ गया हमारे पास। तो अभी m की वैल्यू पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है, इट इज पॉजिटिव। जब m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो जब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे हमने, तो मैंने आपको बताया था कि जब m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, और जब m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज वर्चुअल डायरेक्ट होती है। अब हमारे पास इस केस में क्या आई है, m की वैल्यू माइनस में आई है, नेगेटिव में आई है, क्योंकि ये 25 के साथ माइनस का साइन भी था, m इक्वल्स टू माइनस 2/3 आ गया हमारे पास। जब m की वैल्यू नेगेटिव तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, जब m की वैल्यू पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल डायरेक्ट। अब यहाँ पर नेगेटिव आई है तो हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इसका रीजन बता दो, सिंस m इज नेगेटिव, जब m की वैल्यू नेगेटिव आई है हमारे पास इसलिए। ओके, अब इस मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू हमारे पास आ गई है, उस वैल्यू का हम यूज करेंगे साइज ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए। हम साइज ऑफ इमेज फाइंड कर लेते हैं, यहां पे मैं दोबारा लिख रहा हूं, m इक्वल टू माइनस 2/3 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब m का फॉर्मूला हमारे पास h डैश बाय एच भी होता है इक्वल टू माइनस 2/3, तो h डैश बाय एच, अब h डैश माने क्या है, हाइट ऑफ इमेज है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई थी 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर हमने लिखी थी, तो एच की जगह हमने फिल कर दिया 5 इक्वल टू माइनस 2/3। अब इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो माइनस 2/3 और ये 5 के डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो माइनस 10/3 एच डैश हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ गई माइनस 10/3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा मैग्निफिकेशन से रिलेटेड इमेरिकल कंप्लीट हो गया, कि हाइट ऑफ इमेज हमने कैलकुलेट कर ली, पोजीशन ऑफ इमेज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, नेचर ऑफ इमेज हम बता चुके हैं। अब हमें बोला गया था कि रे डायग्राम बनाए हैं हमने, अब रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, रे डायग्राम वैसे आपको पहले बनाए जा चुके हैं,
फिर भी इस क्वेश्चन के लिए दोबारा बताता हूं आपको। कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस है जो हमारे पास, तो कन्वर्जिंग लेंस है कन्वेक्स लेंस लो किया हमने, इसमें फोकस पॉइंट F1, 2F1, F2 और 2F2 हमने यहां ड्रॉ कर दिए। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मार्क कर लेते हैं हम कि ये जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो जो इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है वो हमें दी हुई है 25। अब हम 10 का डबल करते हैं तो 20, और ये जो 25 है 20 से भी ज्यादा है, तो यानी कि हमारे पास F1 पॉइंट तो है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से, तो 2F1 कहां पर होगा 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो जो 25 सेंटीमीटर शो कर रहा है हमने, तो वो तो इससे भी आगे आएगी ना। तो अब हमने यानी क्या शो किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है ऑप्टिकल सेंटर से, ये हमने यहां पर मार्क कर दिया। अब ये जो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कहां आ रही है, बियॉन्ड 2F1। जब आपको बियॉन्ड 2F1 आ रही है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप डायग्राम कौन सा बनाओगी, जब आपको रे डायग्राम करवाए गए थे कन्वेक्स लेंस के केस में, तो कन्वेक्स लेंस के केस में आपको 6 टाइप के रे डायग्राम्स करवाए गए थे, जिस कंडीशन में आपने बियॉन्ड 2F1 वाला डायग्राम बनाया था ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए, वो डायग्राम आपको अब यहां बनाना होगा कि ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रे लेकर आएंगे हम, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इस फोकस पॉइंट से निकल जाएगी, और दूसरा अगर हम इस फोकस पॉइंट में से अगर रे ऑफ लाइट पास करवाएं तो लेंस तक जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, दोनों रिफ्लेक्टेड रे ये वाली और ये वाली जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वहां पे हमारी इमेज बनेगी, ए पॉइंट की इमेज बनेगी ए डैश, और ए डैश को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर जाके टच करेगा उसको क्या बोलेंगे, बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज आ गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। इस तरह से ये हमारा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दैट इज बियॉन्ड 2F1 हमने ऑब्जेक्ट को रखा, उसकी जो बेस बन रही है वो F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, तो हमारा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डाइवर्जिंग लेंस के लिए है, यानी कि कनकेव लेंस के लिए है, तो वो आप खुद ट्राई करके देखिएगा, लेकिन केव लेंस का कन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, डायग्राम भी कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, जस्ट पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कंकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कोई लेंस रेज ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज करेगा, उस एबिलिटी को क्या बोला जाता है, पावर ऑफ लेंस। द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। जब इसको हम न्यूमेरिकली लिखेंगे तो न्यूमेरिकली लिखा जाता है द रेसिप्रोकल ऑफ कि फोकल लेंथ एफ जो लिखी जाती है उस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो होता है वो भी पावर ऑफ लेंस कहलाता है। यानी कि
पावर ऑफ लेंस की हमारे पास दो टाइप की डेफिनेशन होगी, द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, कि कोई लेंस रेज ऑफ लाइट को किस लिमिट तक कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है उसको पावर ऑफ लेंस बोला जाता है, या फिर कोई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, उस फोकल लेंथ का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी। ये हमारे पास न्यूमेरिकली डेफिनेशन है। तो पावर ऑफ लेंस P इक्वल्स टू 1/f, तो पावर जो है 1/f होगी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ किया हमने तो। अब इसमें जो f है, f क्या होगी, f इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर, कि जो एफ हमारी फोकल लेंथ ऑफ लेंस है जिसको मीटर में वैल्यू लिखी जाएगी। अगर हम ये वैल्यू सेंटीमीटर में अगर हमें दी हो तो हम लिखेंगे पावर इक्वल टू 100/f, हियर एफ इज इन सेंटीमीटर। कि अगर 1/f वाला फॉर्मूला यूज करना हमें तो फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, अगर 100/f वाला फॉर्मूला यूज करना है तो हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ओके, तो जो पावर के जो यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, एसआई यूनिट्स ऑफ पावर इज डायोप्टर। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर एंड 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, कि जो 1 डायोप्टर होता है वो 1 मीटर इनवर्स के इक्वल होता है, क्योंकि एफ जो है अगर हम मीटर में लेंगे तो 1/मीटर तो मीटर इनवर्स हो जाएगा वो, तो 1 डायोप्टर जो है 1 मीटर इनवर्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ पावर है डायोप्टर। तो डायोप्टर की अगर हम 1 डायोप्टर की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो वो क्या होती है, 1 डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस having focal length equals to 1 meter, कि वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उस लेंस की पावर क्या होगी, 1 डायोप्टर पावर होगी। ओके, तो अब पावर ऑफ लेंस का यूज करके हम पावर ऑफ लेंस के साइन को देख के हम क्या बता सकते हैं कि कोई लेंस का नेचर बता सकते हैं कि लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, वो लेंस कंकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। ओके, अब देखो अगर आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी तो नेगेटिव में फोकल लेंथ किसकी ली जाती है, कंकेव लेंस की, और कंकेव लेंस हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो जब फोकल लेंथ आप यहां पर नेगेटिव में पुट करोगे तो पावर का आंसर भी तो नेगेटिव में ही आएगा ना, तो जो फोकल लेंथ नेगेटिव हो या पावर ऑफ लेंस नेगेटिव में हो तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा लेंस है वो कंकेव लेंस है या फिर डाइवर्जिंग लेंस है। इसी तरह से जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव में लेते हैं, तो जो पॉजिटिव में फोकल लेंथ लेंगे, अगर फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव में होगी तो पावर भी पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो अगर फोकल लेंथ या पावर पॉजिटिव में है तो इट मींस जो लेंथ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लेंस कन्वेक्स लेंस है, या फिर ये कह सकते हो कि वो लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। तो इसी तरह से आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी तक हम टोटल इसके 14 लेक्चर लगा चुके हैं आज के लेक्चर समेत, हम कि 14 लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरह से समझ आया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझसे भी बिना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा आप ये वीडियोस को दोबारा से रिपीट करके देखिए, तो काफी सारे डाउट आपकी रिपीट वीडियो को रिपीट देखने से ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।